कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। मैं फिर कहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। कोटा से यशवर्धन ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं, किचन में नई नई डिशेज बना रहे हैं। जबलपुर की निरुपमा हर्षई जी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला है। यही नहीं, वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पूरा कर रही है। वहीं रायपुर के परीक्षित, गुरुग्राम के आर्यमन और झारखंड के सूरज जी का पोस्ट पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई रीयूनियन करने की चर्चा की है। उनका ये आइडिया काफी रोचक है। हो सकता है कि आपको भी दशकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करने का मौका न मिला हो, आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए। भुवनेश्वर के प्रत्युष और कोलकाता की वसुधा ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिन्हें अब तक पढ़ नहीं पाए थे। सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालकर रियाज करना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको संगीत का आनंद तो मिलेगा ही, पुरानी यादें भी ताजा हो उठेगी। यानी मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आप अपने पैशन से भी जुड़ पाएंगे। आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा अवसर मिलेगा। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूँ, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आपको अपने भीतर झोंकने के लिए अवसर भी दिया है। ये मौका है, बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। जहां तक नवरात्रि के उपवास की बात है, ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विषय है। जहां तक फिटनेस की बात है, मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा। नरेंद्र मोदी ऐप पर आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूं, संभवतः उसमें से कुछ बातें आपके काम आ जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूं और न ही मैं योगा टीचर हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाएं।